अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा नवंबर माह के बिल के साथ प्रतिभूति सिक्योरिटी राशि का मांग पत्र भेजे जाने से उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया और सभी लोगों ने एकत्रित होकर महिला कांग्रेस अध्यक्षा सबा खान और यूथ कांग्रेस के पूर्व यासिर चिश्ती के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आम आदमी पर विभाग द्वारा डाले गए अतिरिक्त आर्थिक भार को यथाशीघ्र वापस लेने की मांग की। ज्ञापन देने आए लोगों ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया, नया कनेक्शन जो होता है उस समय सिक्योरिटी राशि ली जाती है, लेकिन बाद में सिक्योरिटी राशि से कोई मतलब नहीं है। जो प्रतिभूति बिल बना के उन्होंने अलग से बिलों के साथ भेजा है वो जनता के लिए बहुत मुश्किल है, जनता नहीं पेश कर सकती और हम वो बिल पेमेंट एक्स्ट्रा बिल का पेमेंट नहीं देंगे, कोई जनता नहीं देगी। विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का आप कहर देखिए कि पहले से ही बिजली की बढ़ोतरी इतनी ज्यादा उनकी दरों में कर चुके हैं कि जो सामान्य बिल 2-2.5 हज़ार का आता था आज की डेट में वो 5-5.5 हज़ार का बिल आ रहा है। जनरल की बात बता रही हूँ मैं, वैसे तो 10-10-15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं। उसके बावजूद इन लोगों का दिल नहीं भरा है कि एक इन्होंने सिक्योरिटी राशि का एक अलग से चिट इन्होंने बिल के साथ अटैच करके भेजी है। आप सोचिए उसकी स्टार्टिंग ही 2-2.5 हज़ार से, किस बात की सिक्योरिटी ले रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। और अगर इनको ऐसा करना ही था तो हर महीने के बिल में 200-250-300 रुपए जोड़ करके और एक लाइन डाल देते कि भई हम सिक्योरिटी के ले रहे हैं। इस तरह से तो आप पब्लिक चुका सकती थी, लेकिन ये जो 5,000-7,000 का बिल के अलावा किस तरह से जनता वहन करेगी हमारी समझ से बाहर है। हम चाहते हैं कि इसको हटाया जाए और जो सामान्य प्रक्रिया है उसके तहत जो सिर्फ बिजली का बिल है वो ही लिया जाए। अजमेर आने वाले जायरीन और पर्यटकों के घूमने फिरने और अजमेर के प्राकृतिक परिदृश्य की लोगों के दिलों में छाप छोड़ने वाली अजमेर की एकमात्र प्रसिद्ध अनासागर झील बड़ी सुहानी मानी जाती है। पृथ्वीराज के पिता आनाजी ने इसका निर्माण सन 1137 में कराया था। सन 1637 में शाहजहां द्वारा झील के किनारे बनवाया गया दौलतबाग इस झील के सौंदर्य को और बढ़ा देता है, मगर स्थानीय प्रशासन की अनदेखी और अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही के कारण इन दिनों ये झील अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। स्वामी न्यूज की टीम सोमवार को जब अनासागर झील और दौलतबाग के सौंदर्य को अपने कैमरे में कैद करने पहुंची तो यहां हर जगह गंदगी, कचरा और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा मिला। झील के प्राकृतिक सौंदर्य और मनोहरी छटा को निहारने पहुंचे पर्यटकों को उस वक्त निराशा हाथ लगी जब अजमेर के एकमात्र पर्यटन स्थल पर अव्यवस्थाओं के बीच गंदगी के ढेर मिले। पाबंदी के बावजूद जगह जगह मछलियों को खिलाई जाने वाली आटे की गोलियां और ब्रेड बेचने वाले, सिगरेट बीड़ी और गुटखा बेचने वाले नजर आए तो ऐसा लगा मानो यहां पुरातत्व विभाग का राज नहीं, खानाबदोश और मुफलिसों सहित नशेड़ियों का राज है। हम लोग बॉम्बे से आए हैं और ठीक है, मगर अभी बहुत ज्यादा गंदगी कर दी गई है जिससे सफाई होनी ही चाहिए। यही प्लास्टिक बैग्स है, पॉलीथीन बैग्स है, तो क्लीनिंग सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और ये यूजफुल है, पानी बहुत यूजफुल होता है तो इसके लिए सफाई बहुत जरूरी है। मेरा तो यही कहना है कि इसको क्लीन करें, जितना अच्छा पॉल्यूशन सफाई रखे तो अच्छी बात है। हाँ अगर है, ये तो मैंने भी सुना है कि अगर होता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको सफाई में कवर करें तो बहुत बेहतर होगा क्योंकि इतनी पब्लिक आती है, पब्लिसिटी पॉल्यूशन इतना हो चुका है जिससे कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं। कचरा है किधर, कुंडा है, कुछ भी खाते, बिस्किट विस्किट खाना है बिना खा के सब कचरा इधर ही फेंकते, साफ सफाई करते नहीं, कोई आते नहीं। बाहर से आए जायरीन और पर्यटकों ने अपने शब्दों में स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बताते हुए इस ऐतिहासिक स्थल की आवश्यक देखरेख की बात कही। एक ओर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा अजमेर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में जुटे हुए हैं, वहीं स्थानीय प्रशासन अपनी आंखें बंद कर दूसरों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। बॉम्बे से आए हैं, बहुत सालों बाद आए हैं यहाँ पे और हमारा ग्रुप है, हम लोग अनासागर आए थे कि बहुत अच्छी प्लेस है पर यहाँ बहुत गंदगी हो गई है पहले से बहुत ज़्यादा। हम सेकंड टाइम यहाँ पर आए, पहले बहुत ज़्यादा ही क्लीन था और अभी यहाँ के लोगों ने इतनी गंदगी करके रखे कि इंसान बैठ नहीं सकता। और इतनी अच्छी प्लेस है अजमेर, मतलब बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और ओबामा बोल रहे कि क्लीन करना, स्मार्ट करना, और ऐसे ही क्लीन करेंगे, ऐसे स्मार्ट करेंगे, तो वी शुड सी दैट कि स्मार्ट होना के लिए क्लीन भी होना चाहिए ना, क्लीन होगा तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं, उसको यहाँ पे कुछ जो भी मैनेजमेंट है उसको यहाँ पे रह के उसको अच्छी तरह से साफ सुफी करना चाहिए क्योंकि बहुत बाहर से लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, हम भी गुजरात के हैं, यहाँ पे भी देखते हैं पब्लिक बहुत, सब बाहर से आई हुई है। सर ये
देखा जाए तो ये अनासागर कहते हैं इसे, अनासागर बारादड़ी, ये तो लगभग अकबर के जमाने का बना हुआ है, लेकिन आज देखो तो अकबर के जमाने से लेकर तब से तो इसको ब्लैक बोर्ड बना रखा है, ब्लैक बोर्ड जो आया लिख के चला गया, और फिर उसके बाद मच्छीदाना वालों ने बहुत गंदी हालत खराब कर रखी है। आओ बेचो, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं, हालात जहाँ भी देखो कचरा वचरा फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई सफाई वफाई कुछ नहीं होती। ठीक है कि बस एक दिखावा हो गया है, एक दिखावे के लिए कुछ भी हो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ पे गार्ड है, गार्डों से लड़ाई झगड़े करते हैं ये लोग, और औरतें इधर की देख लो मच्छीदाना वालों की गाली गलौच आपस में, गाली गलौच ऐसी करते हैं कि जो दूसरी औरतें जो टूरिस्ट है वो भी घूमने में घबराती है, बोले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वार्ड नंबर 11 डिग्गी बाजार स्थित गुजर मोहल्ले में लंबे समय से सफाई नहीं होने के चलते जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। नगर निगम आए हाय, नगर निगम आए हाय, नगर निगम आए हाय, पार्षद आए हाय, पार्षद आए। स्थानीय सफाई कर्मचारी भी सफाई करने नहीं आ रहे। लोगों ने स्थानीय पार्षद के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपने रोष का इजहार किया। क्षेत्रीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही पार्षद ने क्षेत्र की सुध नहीं ली और निगम ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सुचारू नहीं की तो निगम पर जाकर प्रदर्शन किया जाएगा। समस्या ये हमारे यहाँ पे सफाई नहीं होती है। ये वार्ड 11 है जो रमेश चंद सोनी का आता है, और प्लस इसमें क्या हमारा गुजर मोहल्ला डिग्गी बाजार है, मेन कपड़ा मार्केट के बीच में है, उसमें भी कोई व्यवस्था नहीं है सफाई की। आए दिन हमें अभी जब से दिवाली से पहले से ये समस्या हो रही है, नालियां ब्लॉक हो जाती है, गोबर के कारण वो कचरा वगैरह को उठा के नहीं ले जा रहे हैं यहाँ से, वो कह रहे हैं हम क्यों ले जाएं। अब हर बार हमने पार्षद को शिकायत करी, वो कहते हैं मैं भेजता हूँ, जमादार को बोला तो जमादार सुनता नहीं है, क्या बदली हो गई, मैंने ये लगा दिया, जो जिसको लगाया वो ढंग से कार्य नहीं कर रहा है यहाँ पे, और हमारे क्या परेशानी ये हो जाती है, हमारा पानी ब्लॉक हो जाता है, सारा ब्लॉक हो जाता है कचरा सारा। यहाँ की सारी व्यवस्था बिगड़ी हुई है यहाँ की, और ये हमारे लैटरिन की सीवर लाइन भी नहीं है यहाँ पे, हम बहुत परेशान हो गए हैं यहाँ से कचरे से। तो सारे लैटरिन के हंडे ये नाली में खाली करते हैं, पन्नी उठा उठा के ले जाते हैं यहाँ से खाली, और झाड़ू वाड़ू का कोई काम नहीं है, सारी गंदगी हो रखी है, अब क्या गंदगी में ही थोड़ी रहेंगे हम। हाँ, ये सारी गंदगी हो रही है, परेशानी कैसे नहीं है, हम यहाँ से निकलते हैं गोबर लगता है हमारे यहाँ पे और गंदगी आती है, हमारी सारे घर में पानी भर जाता है रोज रोज ये नाली की वजह से, इस वजह से हमको परेशानी हो रही है, सफाई नहीं होती टाइम से।